तो भाई क्या हाल चाल सब लोगों के। अभी है डे टू पेंट वाले हमारे काम का। तो अभी मैं उठा था, आज थोड़ा लेट उठा हूँ और मैंने चेक किया भाई, ये बिल्कुल सूख चुके हैं पेंट, मतलब एकदम मस्त सूखा है। हाँ, इसमें थोड़ा क्रैक था, तो कोई नहीं है, थोड़ी विंटेज सी लुक आ जाएगी। ये एकदम सूख चुके हैं। इस पे मैंने यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मारा है, ऊपर ऊपर सेकंड कोट मारना स्टार्ट किया, नीचे बचा हुआ है, ये बिल्कुल सूखा हुआ है। और हमारे जो सेकंड कोट वाले हैं भाई, वो तो एकदम मस्त बन के आए हैं, ये एकदम मस्त सूख के भाई, और टेक्सचर ही बहुत अच्छा है सब के सब। तो अब मैं इनको यहाँ पे करके आज छोड़ जाऊँगा अपने काम पे, और इन सबको मैं कर लेता हूँ, मतलब ये चारों ड्रॉअर और ये एक शेल्फ पे सेकंड कोट, और उन पे जो साइड बॉर्डर छोड़ा है उसको। ये वीडियो फाइनल रहेगी किचन ट्रांसफॉर्मेशन वाली, तो मिलते हैं आगे, इनको करता हूँ फिर बताता हूँ क्या कुछ करना है। हाँ, तो भाई सीन अभी कुछ ऐसा है, मैंने ये सेंटर में कर लिया है, ये वाला भी थोड़ा एरिया करा था, ये जो क्रैक्स हैं ये अच्छे से भर नहीं रहे हैं, मतलब थोड़े वाइड हैं, तो इसलिए थोड़ा ये लुक कोई नहीं है, थोड़ा विंटेज सा लुक लगेगा इसके बाद। तो मैं बता देता हूँ करना कैसे है। आप ऐसे थोड़ी सी ब्रश दबाएं, पहले पेंट को वॉश आउट कर लें, ऊपर तो सिंपल रहता है कोई भी कर लेगा, जो ये क्रैक्स होते हैं ना, मैं इनका दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। पहले तो आप अच्छे से क्रैक के अंदर भरिए पेंट को, ये फर्स्ट कोट के लिए ज़्यादा काम की चीज़ है, सेकंड कोट में तो ये इतना काम नहीं आता। तो ये सेकंड, अब अगर आपने फर्स्ट कोट में अच्छे से भर लिया तो सेकंड कोट में फिर ये दिखेगा नहीं इतना कुछ खास। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, ब्रश दबाओ, थोड़ा वाइप आउट करो धीरे 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 करके, जो आपको ऐसे एम्प्टी स्पेस दिखे जहाँ पे अपना पुराना कलर दिखे, उसके ऊपर एक कोट ऐसे मार दें, फिर से ब्रश दबा लो, थोड़ा सा खाली कर लो और फिर से कोट मारने लग जाओ ऐसे करके अच्छे से। और ये काम एक लाइन में करना है ऐसे, ताकि एक स्मूथ टेक्सचर आए सीधा। अगर आप ऐसे उल्टे सीधे ऐसे ऐसे मारोगे तो फिर वो उस पर क्या नाम है, लाइंस दिखेंगी पेंट की अलग से, वो टेक्सचर नहीं दिखेगा अच्छा, एक स्मूथ टेक्सचर। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में करते रहोगे तो उसमें स्मूथ टेक्सचर दिखेगा बहुत अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन में करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मूथ टेक्सचर के लिए। अब जैसे कि मेरे यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है, तो मैं ऐसे ब्रश को अंदर घुमा के तो उसको पूरी तरह से डार्क कर दूंगा ऐसे, ये देखो। हाँ, थोड़ी लाइट कम है तो यार एडजस्ट कर लेना, ऐसा ही दिख रहा होगा अभी। अभी ऐसे ही मैं उधर भी करूँगा, जहाँ पे भी आपको ऐसे ब्राउन मतलब अपना पुराना कलर दिख जाए, डजेंट मैटर ब्राउन ही हो, इसके ऊपर कोई भी कलर हो आपके इसमें, देखो यहाँ पे आपको अच्छे दिखेगी ये चीज़, जो ये एज होती हैं इसके अंदर पेंट करना रहता है थोड़ा इम्पोर्टेंट, ताकि वो साइड से कभी भी गंदा ना दिखे। और भाई अगर ये आप फर्स्ट कोट सूखने के बाद, मतलब जो फर्स्ट कोट पूरी तरह से अच्छे सूख जाए, हाथ चिपके नहीं, उसके बाद करोगे ना, तो भाई सेकंड कोट करने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। अगर फर्स्ट कोट आपने ज़्यादा मतलब पूरी तरह से सूखी नहीं है, हल्की हल्की चिप चिप कर रही है, तो थोड़ा ब्रश इस पर हार्ड चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी, वो तो उसमें भी जाएगा। मैंने वो उन सब में क्या नाम है, बिना पूरा सूखे ही करी थी, पर वही कि उसमें ब्रश थोड़ी सी हार्ड चल रही थी और यहाँ पे ब्रश हमारी सॉफ्ट चल रही है। और भाई खास ध्यान रखना इस तरह से आपकी पेंट पे कुछ वो ना के चिपके, रुए धूल मिट्टी वगैरह आए तो भाई उसको उतार लेना, और हम आगे का करते हैं। ऐसे ऐसे कॉर्नर भरो पहले अच्छे से, अब यहाँ पे भी अगर इस तरह का टेक्सचर मेंटेन कर लो तो भाई बस काम हो गया आपका एक नंबर। तो बस अभी मैं इन सबको कंप्लीट कर लेता हूँ, सबके सूखने के बाद आपको दिखाता हूँ कि लुक कैसा आ रहा है फाइनल, और ये कितना अच्छा रहा है इस पर पे पेंट करना। चलो मिलते। तो ये हैं चारों ड्रॉर्स, और इन पर सेकंड कोट कंप्लीट हो चुकी है, तो फाइनली जो ड्रॉर्स थे उनकी कुछ क्वालिटी ऐसी आई है, आई होप कि सही आ रहा होगा यार, फ़ोन का कैमरा ऐसा ही है क्योंकि ये वाला, और ये नाइट टाइम भी थोड़ा लाइट कम है, पर इन सब पे डबल कोट लग चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। हाँ, ये क्रैक्स जो थे भाई नीचे वालों में, तो ये इतने बड़े बड़े क्रैक्स हैं, ये अच्छे से नहीं भर पाए, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने इन पर मल्टीपल टाइम कोट्स ट्राई करी पर नहीं भर पाए, किसी किसी में कहीं कहीं पे थोड़ा तो, जैसे ये वाला था, ये वाला काफ़ी हद तक इरेज हुआ है, जिसमें जितना हुआ मैंने पूरी ट्राई करी। तो ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं, अभी जो किचन में बचे हैं मैं वो दिखा देता हूँ, और अभी मैं तुम्हें प्रोसीजर करके समझाऊंगा अभी अच्छे से। यार ऊपर माइंड मत करना, थोड़ा सा गंदा है, नीचे आते हैं हम। तो अभी जो बचे हैं ये दो, और एक ये, और एक मेरे इधर पीछे ये वाला। तो ये तो एक्चुअली में जो है भाई, ये तो हिंज वाला है, तो इस पे तो जो पेंट करना पड़ेगा वो यहीं के यहीं होगा, तो अच्छा है मैं इसमें भी समझा दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पे ये फिक्स वाला होता है, तो मैं इसमें इजीली आपको बता पाऊंगा ये कैसे करना है। और रही बात इसकी, तो इसको हम खोलेंगे अच्छे से,
इसमें अच्छे से कैमरा एकदम फ्रंट में रख के दिखाऊंगा और खोल के दिखाऊंगा कैसे करना है, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए खोलने में भी, समझाऊंगा बिल्कुल वहां पे नियर में कैमरा रख के इस बारी। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं ये आगे का प्रोसेस, मिलता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, जरा टूल्स लेके आए इसके लिए हम। पैक विद हमारा पेचकस देसी भाषा में। तो इस आइटम के लिए बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो स्क्रू दिख रहा है यहाँ पे ये वाला लूज कर दो, और ये अगर पूरा अंदर की तरफ है तो ये सीधा स्लाइड इन करके बाहर आ जाता है, ऊपर भी सेम है, सेम आइटम होगा। और दूसरा ऑप्शन ये कि जो नीचे ये आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे चार नॉर्मली मतलब चार लगते हैं, तो दूसरा ऑप्शन ये कि आप इन चारों को खोल लो, इस एडजस्टमेंट से आपको पंगा नहीं लेना पड़ेगा। तो दोनों बेटर ऑप्शन है, मैं नीचे से खोल लूंगा क्योंकि मैंने पहले भी एक बार ही किया तो मुझे यही वाला बेटर लगा नीचे से खोलना, मैं इससे पंगा नहीं लूंगा भाई, इसको फिर बाद में एडजस्ट करना पड़ता है बीच में दोनों दरवाजों की गैप के अकॉर्डिंग, तो मैं इससे पंगा लूंगा, मैं इन दोनों को खोलूंगा, तो ट्राई करूंगा अगर ये दोनों खुलने से काम हो गया तो भाई सब बेस्ट है। ठीक है तो आई होप सो, सब बेस्ट है। तो मेरे केस में भाई ये बहुत ज्यादा लूज था। ओके मेरे दो पेज खुल गए, इसमें भी ऑप्शन है, मैं ये दोनों खोलूंगा, मेरे लिए ज्यादा आसानी रहेगी। रूस क्या मस्त बाहर आते हैं एकदम से। और भाई जब आखिरी वाला खोलो, इसको होल्ड कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये बाहर ना गिरे। दरवाजा आ गया बाहर, मैं दूसरा वाला भी क्या है झटपट, ये पहला दरवाजा और 1 2 3 बूम, 1 2 3, तो 3 दरवाजे खोल दिए मैंने। अब इसके बाद तुम जरा आ जाओ इधर, तो ये है कॉर्नर वाला दरवाजा और ये कुछ ऐसे हिंजिस पे लगा हुआ है इधर, यहाँ लाइट कम है ना आगे लाइट, तो ये कुछ ऐसे हिंजिस पे लगा हुआ है, तो इसको मैं उतार नहीं सकता, तो इसको मैं करके दिखाऊंगा यहीं के यहीं पेंट। और इससे तुम समझ जाओगे कि अगर फिक्स वाले हो जिसमें ऐसे हिंज लगे रहते हैं तो उनको आप कैसे कर सकते हो, और ओपन वाला का तो मैंने तुम्हें पहले भी दिखा है, कोई नहीं इसमें भी दोबारा दिखाऊंगा तुम्हें कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले पर सबसे पहले काम। हाँ तो भाई जो नीचे वाले है ना भाई, ये मेरे तो काफी गंदे हैं, मैं अकेला रहता हूँ तो भाई सफाई थोड़ा इतना ज्यादा नहीं कर पाता, मैं काफी तक सफाई रख लेता हूँ पर ज्यादा, तो पहले इसको साफ कर लूंगा, मैं गीला कपड़ा लेके आ गया और ये कैमरे में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पहले इसकी सफाई चालू करते हैं, ऐसे अच्छे से जो ये निशान वगैरह हूँ, मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह जो भी हो आप पहले अच्छे से साफ कर लो, एक बार थोड़ा एडिटिंग के जादू से मैं इसको साफ करके मिलता हूँ। बूम, तो सफाई होगी पूरी, अब आएगा हमारे पेंट और ब्रश का कमाल चालू। ऐसे सिनेरियो में जब ये लगा हो ना तो भाई ऐसे में आप स्टार्ट करो ऊपर से, अगर पेंट बहता है मतलब पेंट के अगर ड्रॉप्स अगर फ्लो होते हैं नीचे की तरफ तो वो नीचे ही जाएंगे, तो जैसे आप नीचे तक पेंट करते जाओगे वो नीचे से इक्वल होता चला जाएगा पैच। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले इस वाले से स्टार्ट करता हूँ फिर उस वाले पे करके दिखाऊंगा, मैं पहले इस एरिया में कर लेता हूँ जरा। तो फर्स्ट कोट है तो इतना कुछ आपको प्रोफेशन होने की जरूरत नहीं है, आप इसको जल्दी जल्दी भी निपटा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट कोट जितना जल्दी लगा के सूखने के लिए छोड़ोगे सेकंड कोट उतना ही जल्दी कर पाओगे। फर्स्ट कोट है यार, इसमें सिर्फ हमें पहले बेस के लिए पेंट को चिपकाना पड़ता है इसके ऊपर। भाई अगर जितना थिक पेंट मतलब जितना गाढ़ा पेंट इस्तेमाल करोगे ना वो उतना ही कम नीचे की तरफ फ्लो करेगा। मैंने सबसे पहले ऊपर की तरफ कर दिया, जो हमें नीचे की तरफ जाना है ना उसके लिए हमें इवन पैच बनाने हैं, इसके लिए पेंट को अच्छे से भैया एक बार ब्रश को डिप करने के बाद अच्छे से सुखा लेना कि ब्रश एक समान पेंट ही फैलाए, इवन पैच बनाते रहो। तुम ऐसा फर्स्ट कोट में देखो तुम थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो, पर मैं तुम्हें वो दूंगा कि फर्स्ट कोट में भी तुम चांस रखो कि तुम्हें सीधा सीधा पेंट कर पाओ, ऐसे में तुम ऐसे ऊपर की तरफ शेड दे सकते हो। स्ट्रेट शेड चाहिए, चाहे तुम ऐसे ऊपर की तरफ दो चाहे तुम नीचे की तरफ दो, हमें एक स्ट्रेट शेप चाहिए होती है सिर्फ जो अच्छा लगे, क्योंकि ऐसे टेढ़े मेढ़े पेंट कर दोगे तो भाई वो फिर टेक्सचर अच्छा नहीं बन के आएगा, स्ट्रेट पेंट करोगे तो टेक्सचर स्मूथ बन के आएगा। फर्स्ट कोट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, पर मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि जो तुम पेंट ले गया हो मार्केट से उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह मत मिक्स करना, ताकि वो पेंट थोड़ा सा गाढ़ा रहे, क्योंकि गाढ़ा पेंट क्या है कि जल्दी चिपकेगा इसके ऊपर। तुम देख सकते हो मेरा पेंट गाढ़ा है और मैं एक तय मात्रा में ही इस पे पेंट कर रहा हूँ, तो इससे क्या है कि जो एक्स्ट्रा से ड्रॉपलेट सीधी सीधी बूंदे चिपकती हुई नीचे जाती है ना वो नहीं बन रही है, नहीं तो नॉर्मल जो स्ट्रेट करके तुम पेंट करते हो तो वो ड्रॉप्स बहुत ज्यादा बनती है, पेंट नीचे की तरफ बहने लग जाता है कई बार, अगर तुम बहुत ज्यादा ही पतला पेंट यूज करोगे तो वो चिपकेगा नहीं, वो नीचे की तरफ बहने लग जाएगा। तो मेन मोटिव ये रखना कि भाई तुम अपना पेंट थोड़ा सा गाढ़ा रखो। यार मैंने तुम्हें इतना तो बता दिया, अब मैं इसको झटपट कंप्लीट कर देता हूँ ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना और वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो मैं मिलता हूँ एक स्नैप के बाद। बूम, तो फर्स्ट कोट पूरी हो गई इस पे, इसको सूखने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, और बाकी दरवाजों पे मैंने पहले करके दिखाया हुआ था उन पे वापस ही करके दिखाने का मतलब नहीं है, मैं उनको डायरेक्ट फर्स्ट कोट या डायरेक्ट सेकंड कोट के बाद आपको दिखाता हूँ। तो मिलते हैं एक और स्नैप के बाद आप लोगों से। तो सेकंड कोट कंप्लीट, और ऐसे ही 1 2 3 तीनों पे सेकंड कोट कंप्लीट, वहां जाएंगे और एक इधर जाएगा कॉर्नर में। ठीक है तो अभी लगाते हैं इनको झटपट वहां पे और दिखाते हैं कैसे लगाने का, तो थोड़ा सा एडिटिंग मैजिक दिखाया जाए। तो 1 2 और ये 3, तो
लग गया। अब दूसरी साइड और तीसरी साइड, तो एक बार फिर से 1 2 और 3 बूम, तो ये भी लग गया। अब लास्ट वाला लगा देता हूँ, फिर पूरी किचन की लुक दिखाता हूँ। सो द फाइनल वन इज हियर, और अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें दोनों, अभी जो कलर आया है, जो पुराना जो आया, दोनों एक कंपेरिजन, तो सी कितना फेबुलस लग रहा है अभी। ये था मेरा किचन, और ये मैंने दिखाया कि मैंने इसको घर पे कैसे पेंट करके ओल्ड लुक से एकदम क्लासिक न्यू लुक टाइप से इसका लुक बना दिया है। और भाई चाहो तो तुम भी कर सकते हो, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पेंट लेके आना है और थोड़ा थिनर वगैरह कुछ रिमूव करना है, तो कुछ नहीं है, प्लैंक्स उतारो, पेंट करो, दोबारा लगाओ, बड़ा इजी है। सो आई होप तुम लोगों को ये काम मेरा पसंद आया होगा। भाई जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड रिश्तेदार अपने घर को ऐसा बनाए अच्छा सा, तो उसका शेयर करो ना वीडियो, उसको दिखाओ ये कैसे खुद से कर सकते हैं, ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और पैसे भी बता दूं तो मैं 2 लीटर पेंट लेके आया था, आई थिंक मुझे 560 रुपीज का पड़ा था, और 20 रुपए की ब्रश थी दो मेरे पास, तो ऐसा कुछ खास महंगा पड़ा नहीं। और मेरा एक्चुअली मेरा ये सारा काम करने में, इस पे डबल कोट और नीचे सब में डबल कोट करने में मेरा टोटल आधा लीटर पेंट लगा है। 1-1 लीटर के 2 डिब्बे लेके आया था, मेरे पास 1.5 डिब्बे अभी भी रखे हैं, सिर्फ आधे डिब्बे में मेरा सब पे पेंट हो गया, जिसमें मैंने बिना थिनर मिलाए कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट उसको मारा है, जो थिक पेंट होता है उसको कोट लगाई है। तो भाई बड़ा इजी है, बड़ा कन्वीनियंट है, तो भाई लिटरली मतलब कितना 250 से 300 मैक्सिमम 300 रुपए कह सकता हूँ, मैक्सिमम 300 रुपए मैंने सब पे मार दिया, इसमें आधा लीटर अभी बच गया। तो भाई मैं चाहूंगा कि तुम शेयर करो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ कि वो कैसे घर पे कर सकते हैं, और भाई कोई अकेला रहता है उसको जरूर दिखाओ ना, अपना घर ट्रांसफॉर्म करेगा वो बंदा भी। तो इसी के साथ अब मैं चलता हूँ इस वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अगली किस चीज की वीडियो आती है, तो सी यू सून गाइस, बाय बाय।